second. रिकार्ड चला है नैन ही न तो राह दिखाओ कर ये सब गीत भक्ति मार के हैं नैन ही न को राह दिखाओ वो भक्त लोग समझते हैं कि जो स्थूल अंधे हैं भगवान उनको सुलझा कर देता है ऐसी बात तो है नहीं इस दुनिया में तो सब अंधे हैं ज्ञान की आंख कोई को नहीं है वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं गीतों आदि की कोई दरकार नहीं गीत आदि बजाने की कोई तकलीफ नहीं भक्ति मार्ग में तो कितनी तकलीफ होती है कितने ढेर सारे रसम रिवाज चलते हैं ब्राह्मणों को खिलाओ यह करो तीर्थों आदि पर जाओ बहुत कुछ करना होता है यहाँ बाप आकर के सब तकलीफों से छुड़वा देते इस ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करना नहीं है मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है ये भी कायदा नहीं है फिर क्या करना है अंदर अंदर शिव बाबा को याद करो शिव शिव रटने से कोई फल नहीं मिलेगा समझना है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं और बाप ज्योतिबिंदु इस साकार में आया हुआ है तो बाप कहते हैं हमको याद करो अंतर्मुख होकर के बाप को याद करना है बहिर्मुखता की कोई बात नहीं बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप बस ये योग अग्नि है अग्नि में खाद भस्म हो जाती है ना ऐसे तुम्हारी आत्मा भी कंचन थी सोना थी ऊपर से आने वाली कमजोर आत्माओं की खाद भरती गई त्रेता में चांदी की द्वापर में तांबे जैसी आत्माओं की जो कामी क्रोधी लोग कामी क्रोधी होती है अब कलयुग में लोग भी मोही अहंकारी आत्माओं की खाद पड़ गई मेरी योग अग्नि से ये खाद बस हो जाएंगे जब सारे पाप बस में हो जाएंगे तो तुम आत्मा पवित्र हो जाएंगी ऊपर उड़ेंगी वापस चले जाएंगे हिस्ट्री रिपीट होनी है ये सब बातें अपने साथ करनी होती है अपने साथ ही रूढ़िहान करते रहो बाप कहते हैं मैं कल कल तुमको ये युक्ति बताता हूं ये भी जानते हो ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पावेगा ऐसे नहीं कि फट से फिल्ट्रेशन हो करके 2.5 लाख 4.5 लाख का झाड़ कंप्लीट तैयार हो जाएगा माया का तूफान इस समय लगता है इस संगम में
जबकि मैं आकर के तुमको माया के इन बंधनों से छुड़ाता हूँ। अभी ही बंधन लगते हैं ढेर सारे, 63 जन्मों की पाप कर्म है ना, तो रील घूमती रहती है। सती में तो कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी अभी आते सहित तुम्हारी बुद्धि में है क्या है कि पुरुषों में जो उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं माला के मण के, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ पर हर बात अर्थ सहित होती है और भक्ति मार्ग में हर बात निरर्थक होती है, बिना अर्थ ऐसे ही बोलते रहते हैं, अनर्थ होता रहता है। ये मानी बात जो भी बात करेगा वो अनर्थ हो जाता है। जो देही अभिमानी होंगे वो अर्थ सहित तो बात करेंगे, अर्थ सहित तो बात का फल मिलता है। कुछ अर्थ निकलता है तो उसका फल मिलता है। अब भक्ति मार्ग में डिफिकल्टी होती है, समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करना ये सब करना भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, परंतु बच्चों ने अभी समझ लिया है कि भक्ति मार्ग में वापस तो कोई भी नहीं गया। भक्ति करते रहे, पहले नंबर में जो विश्व के मालिक थे उनका ही 84 जन्म बता दिया, तो बाकी दूसरे फिर भक्ति करने से इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूट जाएंगे। सब आत्मा चक्र में आती है, जब सबको चक्र में आना ही है फिर कैसे के लिए कैसे कहेंगे वो सदैव कायम है, चूला कला संपूर्ण है, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी कलाएं नीचे गिरती है। हाँ, कृष्ण का जो नाम रूप था वो तो चला गया, बाकी आत्मा तो इस सृष्टि पर किसी न किसी रूप में होती है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ पर पूरा ध्यान देना है, रोज आना, समय फिक्स करना है अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोग बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर इतना बंधन नहीं होता है, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया बस छुट्टी। व्यापारियों के पास तो कब भी ग्राहक आवे तो उनको सप्लाई करना पड़े, उनका उद्योग तो बाहर जाता है। तो बच्चों को कोशिश करके समय निकालना चाहिए, उसमें भी अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले के समय बाहरी दुनियादारी के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कुछ भी याद ना आए, ताला लगाए देना चाहिए, बाप की ही याद रहे, चारों ओर बाप की महिमा लिख देनी चाहिए।
बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलना है। क्या महिमा लिखनी है चारों ओर? और किसके चारों ओर ये महिमा लिखनी है? बाप ज्ञान का सागर है, पति के पावन है, ये सारी महिमा के किस कहाँ लिखनी है? बाप के चारों ओर लिख दे। अरे कैसे लिखेंगे? ब्राह्मण ने तो ज्योति बिंदु का चित्र बनाया, शिवलिंग बना दिया और चारों तरफ महिमा लिख दी। क्या क्या महिमा लिखी? ज्ञान का सागर है। अरे ज्ञान का सागर है तो बिंदु कैसे सागर होगा? बिंदु थोड़ा ही सागर बनेगा। पतितों को कैसे पावन बनाएगा? बिंदु पतितों को पावन बनाएगा तो क्यों लिख दिया है बिंदु के आसपास पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, विश्व का मालिक बनाने वाला है, श्रीमत दाता है? कैसे देता है श्रीमत? जरूर कोई में प्रवेश करे तब तो मुख से श्रीमत दे, तो सभी से अच्छी मत मिलती है। वो कहते हैं मन मना भव, तू मेरे मन में समा जा, मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में तू भी रमण कर। दूसरा तो कोई ये बात है बोल न सके। क्या बात है? मैं पतित पावन हूँ, सर्व का सदृति दाता हूँ, दूसरा कोई इन बातों को बोल नहीं सकता सिवाय बिंदु के। जिस तने में प्रवेश करती है उसकी बिंदु रूप स्टेज बनती है तो उसके द्वारा बोलते हैं तमो प्रधान से शत्रु प्रधान बनने की। तो बाप सिर्फ कहते हैं मां एकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी, बिना अर्थ याद करेंगे तो खुशी नहीं आवेगी। तो बाप कहते हैं अभी विचारी याद चाहिए क्या? औरों की भी साथ में याद आती रहे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। जैसे अभी विचारी भक्ति होती है एक शिव की पूजा करेंगे, फिर बाद में विचारी भक्ति हो जाती है तो अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। असल है अद्वैत भक्ति। अद्वैत माना कोई दूसरा नहीं, एक की भक्ति करना, वो ज्ञान है। अब एक का सुनना है, अनेकों से ज्ञान सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। जिसको भक्ति में याद करते हैं उसी को याद करना है। वो खुद भी आकर के समझाते हैं, ऊंची ऊंची बच्चों भक्ति का पाठ तो 2500 चलना था सो चला। पहले पहले एक शिव की ही तुम मंदिर, शिव का ही तुम मंदिर बनाते हो, बाद में जब व्यभिचारी हो जाते हो तो अनेकों की भक्ति करते हो, अनेकों की मूर्तियां बनाते हो, अनेकों के मंदिर बनाते हो।
तुम अभिचारी भक्त थे तो तुम कितने सुखी थे, द्वापर की आदि में भी सुखी थे। व्यभिचारी भक्ति हुई तो तुम कितने दुखी हो गए। व्यभिचारी बनने से द्वैत में आने पर थोड़ा थोड़ा दुख होता है। एक बाप की तो भक्ति करना अच्छा है ना, एक ही याद रहेगा। अब यहां तो भक्ति की बात है, वो बाप सबको सुख देने वाला है। कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, तब तुमको सुख भासता है। ऐसे नहीं मैं आकर के चला जाऊं मंत्र दे करके, पर तुम अपने आप सुखी होते रहेंगे। तो कहता हूं मंत्र एक का ही सुनो, यहां कोई देहधारी नहीं है मंत्र देने वाला, इस बात में मुझो नहीं, मंत्री होते हैं ना क्या करते हैं, राजा के मंत्री होते हैं क्या करते हैं, मंत्रणा देते हैं। मैं भी तुमको मंत्रणा देने आया हूं, मंत्रणा अर्थात श्रीमत, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, कदम कदम पर श्रीमत लेना है, पक्का करो। एक शिव बाबा को याद करना है और शिव को आना भी जरूर है, और दूसरा कोई शरीर तो ले भी नहीं सकते, नहीं लेते दूसरा शरीर कोई नहीं लेते, एक ही लेते हैं। माना बाप के रूप में जब आते हैं तो एक ही रख लेते हैं, माँ के रूप में था तो ब्रह्मा का भी रख लिया, यज्ञ की आदि में माताएं थी वो बड़ी माता थी, तो बात दूसरी है। यहाँ पर तुम आते हो बाप दादा के पास, 21 मई 1967 की बारी का दूसरा दिन, जिसके पास आते हो उससे जास्ती ऊंच तो दुनिया में कोई होता नहीं। याद भी सभी उनको ही करते हैं, क्योंकि वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत में लक्ष्मीनारायण का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, जिनकी तुम पूजा करते हो ये किसी को भी पता नहीं है कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का अगला जन्म क्या था ये भी कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो कि जगदम्बा है, तो तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है, सब माताएं जगदम्बा होंगी कि एक होगी, एक होगी, क्यों कहा तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है। भुजाएं हैं और भुजाओं में जो उंगलियां हैं, उंगली को पकड़ के पकड़ेगा बच्चा
उंगली पकड़ के बोलेगा तो कहेगा कि माता की उंगली पकड़ी, क्या कहेगा? माता को पकड़ा, तो पकड़ा। तो जो भी भुजाएं हैं वो सब जगदम्बा का स्वरूप है, नंबर बार पुरुषार्थ होता है। तो भारत माता भी कोई एक का नाम नहीं है। जगदम्बा भी कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेती हो और योग बल से शक्ति लेती हो। ये शक्ति लेने की बात में ही माया इंटरफियर करती है। कोई लेते हैं, कोई नहीं ले पाते, फिर भी तुम्हारे युद्ध में उंगली तो लगती है ना। तो बच्चों को बहादुर होकर के लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ने उंगली क्यों लगाई। इसने हमको उंगली लगाई तो हमको ऐसा हुआ। कोई उंगली लगाए और तुम फिर सो पड़ो, नहीं। ये तो माया की युद्ध है, ये कोई कौरव पांडवों की युद्ध नहीं है। उनकी तो यवनों से युद्ध है। इनकी कौरवों की युद्ध तुम पांडवों के साथ नहीं होती, इसके साथ होती है मुसलमानों के साथ। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के कारण भी एक दूसरे का गला काट देते हैं। खेती करते हैं, उनकी जमीन काट ली, अपने खेत में मिला दी, बस लड़ाई चालू। एक दो को मार काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राजी और रावण राजी। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम रावण राज्य से अब राम राज्य में जा रहे हैं। राम राज्य में अथाह सुख है, वहां नाम ही पड़ता है सुख धाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। जबकि बाप आए हैं बच्चों को ऐसी राजाई देते हैं तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार कहता हूं कि बच्चे थक नहीं जाओ, अथक होकर याद करते रहो, कोई तकलीफ की तो बात है नहीं। मैं भी बिंदी हूं, तुम भी बिंदी हो। छोटी चीज को याद करना तो सहज होता है ना। हम बिंदी बिंदी आत्मा है, यहाँ पर अपना अपना पाठ बजाने आई है। अभी पाठ तुम्हारा पूरा होता है। अभी बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी पाप कर्म विनाश हो जाने। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, कोई सके शरीर पर नहीं चढ़ते। शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है। आत्मा अगला जन्म लेती है तो उसके पाप कर्म उसके साथ ही
आत्मा के साथ ही चले जाते हैं। तो साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो शरीर छोड़ने के बाद दुख क्यों भोगती है दूसरा जन्म लेकर के? उसके पाप का लेप छेप तो है नहीं, दुख तो नहीं भोगना चाहिए। इससे साबित होता है कि आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो आपन को भी आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं। जो भी महात्मा घर से रुचते हैं वो जाकर के आपस में कोई न कोई मठ बना लेते हैं। मठ पंथ बना करके ढेरों को अपना अनुगामी बनाते हैं। तो अंधों की बिचारी जैसे कि सब अंधे हो पड़ते। अभी तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम कोई भी मठ पंथ नहीं बनाते हो या? तुम कोई भी मठ पंथ नहीं बनाते हो, क्या बनाते हो? तो बाप का पंथ सो तुम्हारा पंथ। इतनी छोटी आत्मा है, पहले पहले आत्मा की रियलाइजेशन करवानी होती है कि आत्मा देखो सूक्ष्म है। उनका साक्षात्कार होता है कि जैसे शहीद लेकर ही, परंतु उससे मनुष्य को समझेंगे तू नहीं। वो साक्षात्कार भक्ति मार्ग की बात, ये ज्ञान मार्ग की बात है। तो बाप समझाते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार का मतलब क्या है। आत्मा में जो अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है वो हमारी बुद्धि में आ जाए तो कहा जाएगा क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ। नहीं, साक्षात्कार होने से कुछ समझते नहीं है। ये सब नई बातें हैं जो बाप ही बैठ करके समझाते हैं। इन बातों को पक्का याद करो, भूलो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे उतने पाप कर्म भस्म होंगे। विकर्म विनाश होने पर तुम्हारे भविष्य पद का आधार बनेगा। जितने पाप कर्म जल्दी भस्म होंगे उतना तुम्हारा पद ऊंचा बन जाएगा। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत वही सौभाग्यशाली खंड है जहां पर बाप आते हैं। और भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम गार्डन के फ्लावर बन रहे हैं और साथ कर रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई होती इसीलिए है कि तुम वहां जानना चाहते हो। गार्डन ऑफ फ्लावर में जावेंगे ना, साक्षात्कार भी करते हो, जानते हो कि बरोबर ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं।
फिर ऐसी लड़ाई कभी लगनी नहीं है। ये एक ही बार लड़ाई लगती है, आखिरी अंतिम लड़ाई है। तो तुम बच्चों के लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया थी, भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। अगर लाखों वर्ष होते तो मनुष्य कितने अनगणित हो जाते। अभी 5000 वर्ष का हिसाब बताते हैं तो 84 जन्म क्लियर हो जाते हैं। और आबादी कितनी हो गई, 500-700 करोड़। अगर लाखों वर्ष बता दे मैं, कहां 5000 वर्ष, कहां लाख वर्ष, कितने गुने हो गए, 20 गुना हो गए। और आबादी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। सतयुग में ज्यादा बढ़ती है या कलयुग में बढ़ती है? कलयुग में तो और ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो कितनी ना आदमशुमारी हो जाएगी, कोई गिन भी नहीं सके। इसलिए वो पंडित लोग लाखों वर्ष बोल देते हैं कि कोई हमसे पूछ ना सके कि कहां कहां कैसे कैसे जन्म लिए, सारा हिसाब बताओ। तो लाखों वर्ष का कल्प बता ही देते हैं। अभी बाप तो सारा हिसाब आकर के बता रहा है। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। ये उतने वर्ष कल्प को कैसे हो सकते हैं, जबकि इतनी आदमशुमारी ही नहीं है। अभी तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले विश्व पर हम राज्य करते थे, दूसरा कोई खंड था भी नहीं, एक भारत खंड ही था, वो ही अविनाशी खंड है। उस अविनाशी खंड में ही अविनाशी बाप आकर के पाठ बजाते, और कोई खंड में तो आते नहीं है, और खंड तो बाद में आते हैं। तो विनाशी खंड हुए या अविनाशी हुए, वो सब धर्म खंड है विनाशी, और तुम्हारा भारत है अविनाशी खंड। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें अभी क्लियर हुई है, और किसी की बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं बातें। थोड़ा भी इशारा दो तो समझा जावे कि बात तो उनकी ठीक है। हमारे पहले भी जरूर कोई धर्म था, मुसलमान लोग जानते हैं कि 2500 साल पहले इब्राहिम आए, क्रिश्चियन जानते हैं 2000 साल पहले क्राइस्ट आए। तो क्या उनसे पहले ये दुनिया नहीं थी? अभी तुम समझा सकते हो, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था जो अभी प्राय लोप हो गया है, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म आते गए और आदमशुमारी बढ़ती गई।